अंकल जी इज फ्रॉम गोवा। This is the most west point in Europe. Welcome aboard. वही मैं सोच रहा था कोई लोग नहीं बैठे हुए या 11:45 होने वाले खुले ही नहीं अभी तक। कहाँ चले फिर मैकडोनल्ड ही एक। What's up guys, welcome back to yet another Portugal video। हम लोग हैं ब्यूटीफुल लिस्बन में। आज हम लोग सोच रहे हैं कि लिस्बन से थोड़ा बाहर निकला जाए तो एक शहर है जिसका नाम है सिंट्रा। फुल ऑफ हिस्ट्री, महल, कैसल, किले। यहाँ से लगभग 40 मिनट की ही ट्रेन राइड है, ट्रेन लेंगे। पर उससे पहले कुछ खाना है, भूख लगी है। हिंदी कम सुनाई देती है रोड पे वॉक कर रहे हो तो हिंदी कम सुनाई देती है, पंजाबी ज्यादा सुनाई देती है, है ना। अच्छा तेरे को ये चीज बड़ी अजीब नहीं लगी? सुबह 11:45 यहाँ बाहर से इन्होंने बियर ली और हाथ पकड़ के साइड वॉक पे वॉक करते करते पी रहे हैं सुबह के 11:00। हाउ इज दैट इवन लाइक, मैंने कहीं और नहीं देखा ये। यहाँ का कल्चर ही होगा ना ऐसा। मेरे पीछे ये स्कूल या कॉलेज के बच्चे हैं बड़े सारे ग्रुप में। आई डोंट नो क्या चल रहा है इनका। हैरी पॉटर की ड्रेस पहन के खड़े हुए हैं और बीच बीच में कुछ तो बोलते हैं जोर। ये है हम लोग रोजियो स्टेशन पे, मेन स्टेशन है सिटी सेंटर से ही। टिकट हम लोगों ने ऑलरेडी ले ली थी, आई थिंक बस यहाँ पे टैप ही करना पड़ेगा। तो किसी भी मेट्रो स्टेशन से या यहाँ से भी आप टिकट लोड करा सकते हो। हम लोग अभी 7-8 मिनट पहले पहुंचे हैं लेकिन सीटें हमें 4 मिल जाएं इकट्ठी, इसकी उम्मीद थोड़ी कम लग रही है। खैर घूम के देख रहे हैं शायद मिली जाए आगे आगे वाली साइड शायद। Met with this gentleman, uncle ji is from Goa, so he came here in 1963 from Goa. Now he's just been living here, he worked in Germany, now he's here. Do you like Portugal? Yes, this is my dad's city in Portugal. Yeah, because at that time Goa was Portuguese. Never, I studied. So I think at that time a lot of people came here. Yeah. हम लोग पहुंच गए सिंट्रा में। यहाँ से हम लोग अभी ऊबर लेके जा रहे हैं, एक पैलेस है यहाँ पे, पैना पैलेस। सो अभी हम लोगों ने ऊबर कर दिया। वैसे यहाँ से टुक टुक ऑटो रिक्शा भी जा रही है, दैट इज चार्जिंग, उससे पूछा हमने, दैट इज चार्जिंग 40 यूरोस। ऊबर हम लोगों ने बुलाई है, ऊबर इज टेकिंग 6 यूरोस। यार वो लोगों लिखा हुआ था कर सकते हैं। ओके, ये ऊबर वाले ने हमारे को पैना पैलेस ले जाने से मना कर दिया, कह रहा मैं नहीं लेके जाऊंगा, इसी टुक टुक पे जाओ। ये पता नहीं क्या फंडा है, मैं ऑनलाइन पढ़ा, लोगों ने लिखा हुआ था कि ऊबर करके जाओ, चीप होती है ऊबर, तो ऊबर बुलाई। वो बोल रहा मैं लेके नहीं जाऊंगा, तो मैंने अभी जस्ट एक और ऊबर बुलाई है। चलो राइट, हमारे को ऊबर ने यहाँ उतार दिया। यहाँ से 2-4 मिनट की वॉक हो रही है, वैसे वो आगे भी छोड़ सकता था हमारे को। वो कह रहा है यहीं उतर जाओ, यहीं से टिकट मिल जाएगी। उसको नहीं पता था। हाँ, उसको पता ही नहीं था।
ऑलराइट, हम लोग आ चुके हैं इस पैलेस में। इसका नाम है पैलेस ऑफ पेना। आई थिंक हम लोगों ने एक गलती कर दी। ये ना पूरा पहाड़ है और पहाड़ की चोटी पे वहाँ पे पैलेस है और हमारे को ऊबर वाले ने ना यहाँ उतार दिया। ऊबर वाले की गलती है या हमारी गलती है? करना ये चाहिए था कि हमें ऊपर से एंटर करना चाहिए था और नीचे यहाँ पे गार्डन्स है, नीचे आते तो आसानी होती है। उसने हमारे को नीचे छोड़ दिया। अब यहाँ पे पहले हम लोग इनके जो गार्डन्स हैं ये घूमेंगे और यहाँ से फिर हाइक करके हम लोग ऊपर जाएंगे। नॉट अ गुड आइडिया, बट अब जब उसने छोड़ के वो हमें चला ही गया तो हम क्या कर सकते थे। टिकट्स बता देता हूँ आपको, सिर्फ ऑनलाइन है यहाँ पे नीचे वाली तरफ, आप यहाँ पे गेट पे नहीं खरीद सकते। तो यहाँ आपको ना काफ़ी सारी ऐसी बिल्डिंग्स मिलेंगी, जैसे ये बिल्डिंग के ऊपर पूरा अरेबिक में लिखा हुआ है, ये पूरा इस्लामिक तरह की बिल्डिंग है। तो यहाँ की हिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग है। तो क्या है कि एक ज़माने में 8वीं सदी में अरब के कुछ सुल्तान थे, उन्होंने यहाँ पे अटैक किया और यहाँ पे काइंड ऑफ मुस्लिम रूल इस्टेब्लिश कर दिया था 8वीं सदी में। और जब उन्होंने इन्वेड किया तो लोगों को धीरे धीरे कन्वर्ट करना शुरू कर दिया। और एक कहा माना जाता है कि लगभग 50% पोर्चुगल और स्पेन के जो पॉपुलेशन थी वो मुस्लिम में कन्वर्ट हो गई थी। लेकिन उसके बाद फिर क्रिश्चियन जो कुछ राजा थे, रूल थे उनके, उन्होंने वापस इनके ऊपर अटैक किया और 700 साल कहते हैं कि उनकी लड़ाई चलती रही। और उसके बाद फिर वापस से सारे जितने भी मुस्लिम्स थे उनको क्रिश्चियन में कन्वर्ट किया, कई जूस को और मुस्लिम्स को यहाँ से फिर निकाल दिया। और आज की डेट में यहाँ पे 0.5% के लगभग मुस्लिम पॉपुलेशन है पुर्तगाल में। सिर्फ हम ही हैं जो चढ़ाई पे ऊपर चढ़ के आ रहे हैं, बाकी सारी दुनिया ऊपर से नीचे आ रही है। ये जो कैसल है ना, किसी एमेच्योर आर्टिस्ट ने बनाया था जर्मनी, उसको भी नहीं पता था कि ये इतनी बड़ी मतलब हेरिटेज साइट कुछ बन जाएगी। और इससे इंस्पायर्ड एक जर्मनी में कैसल बना है जो, और उससे इंस्पायर्ड जो सिंड्रेला कैसल है ना कहते हैं वो बना है, तो डिज्नी वाला सिंड्रेला। तो इन अ वे ये जो कैसल है, दिस इज समवेयर इंस्पिरेशन फॉर डिज्नी सिंड्रेला कैसल। इसकी हिस्ट्री के बारे में बताता हूँ तेरे को। पता, तेरे को तो पता ही होगी, थोड़ी बहुत तो करी है गूगल, साक्षी ने सारी रिसर्च करी हुई है। सो ये जो है मेरे पीछे, ये है पेना पैलेस। ये एक ज़माने में यहाँ पे मोनेस्ट्री हुआ करती थी, 15वीं सेंचुरी में मोनेस्ट्री बनाई। अब वहाँ पे मेडिटेशन या वर्शिप वगैरह जो होती थी उनकी। लेकिन 18वीं सेंचुरी में एक तूफान में बिजली गिरने से, लाइटनिंग स्ट्राइक से डिस्ट्रॉय हो गई। तो उस टाइम 1838 में जो यहाँ का प्रिंस था फर्डिनेंड टू, उसने यहाँ पे पोर्चुगीज रॉयल फैमिली के लिए एक समर वेकेशन होम समझ लो या पैलेस बना लो समझ लो, यहाँ पे बना दिया पेना पैलेस। जो रॉयल फैमिली यहाँ रहती थी, जितना भी सामान यहाँ पड़ा ये उनका एक्चुअल सामान है जो वो लोग यूज करते थे बिफोर लिविंग द पैलेस। बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे अपने आंगन में तुलसी लगी होती है। तो जब यहाँ मोनेस्ट्री थी और कुछ एक मॉन्क्स ऐसे थे जो गंदी बात करते थे, उनको इस प्रिजन में बंद कर देते थे। मॉन्क्स का प्रिजन, इसको भी कर दे। सो अभी हम लोग आ गए हैं जो राजा के रूम के बाहर बनी हुई बालकनी है वहां पर।
terrace of the palace. अंदर देखा है बस, अब बाहर का परिसर इसका घूम रहे हैं। बहुत ही सुंदर बना हुआ है पैलेस, पूरा रंग बिरंगा अलग अलग रंगों में, और जो टाइल लगी हुई है ना यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल है। सो नीचे जाने के लिए भी मैंने उबर करी थी, लेकिन 25 मिनट दिखा रहा था और 10 मिनट में वेट करते हो कि अभी 25 मिनट ही दिखा रहा है। फिर फाइनली टुक टुक पे जा रहे हैं, टुक टुक पे बैठना लिखा है हमारे उसमें किस्मत में, तो फिर टुक टुक पे बैठेंगे। लेट्स गो। Thank you. Welcome. All right. Cool, be cool. No, I'm from the Rico, from Puerto Rico. Okay. Whoa. It's so shaky. So what is this? This is a sour cherry liquor. Uh-huh. So it's done by the fermenting sour cherries called ginger, which is, if you eat it fresh, it will be acid like a berry, but the maturation releases the cherry flavor. It is from the cherry family of berries, you know. This is a chocolate cup. It is a chocolate cup, yeah, black chocolate. So chocolate ka cup, once you have ginger shot, eat the chocolate cup. Leni other cup. You can eat it in one जो कि जैसे कि हमने उस दिन जिंजिनिया ट्राई करी थी, तो यहाँ सिंट्रा में भी ट्राई कर रहे हैं। द स्पेशल थिंग इज़ वो तो प्लास्टिक के या कांच के ग्लास में थी, ये चॉकलेट के ग्लास में है। और जब इसमें ये वाइन जिंजिनिया जब ये डालते हैं, तो जो अंदर का जो चॉकलेट होती है वो मेल्ट हो जाती है इसके साथ साथ। और फिर आप पहले ये पी लो और उसके बाद जो चॉकलेट का उसको खा जाओ। सो दिस इज सपोज टू बी गुड। नहीं, साथ में कैसे करूंगा बेटा, गिर जाएगा। अच्छी यार, बहुत बढ़िया। नहीं, चॉकलेट खा लूंगी। चॉकलेट कप वो करता है, मैसी हो जाता है। So this is samba, so this is samba, bye 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 bye. So this is samba, so this is samba, bye. So this is samba, so this is samba, bye 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 bye. So this is samba, so this is samba, bye. This place is so beautiful. यहाँ की रोड्स, यहाँ के घर, आर्किटेक्चर, रेस्टोरेंट, मार्केट। Já dancei o twist até demais, mas não sei me cansei do calypso, a cha cha cha. Já dancei o twist até demais, mas não sei me cansei do calypso, a cha cha cha. पीछे जो है मेरे ये वॉशरूम्स है। वॉशरूम यहाँ पे फ्री नहीं होते, मतलब वो काइंड ऑफ फ्री है अगर आपके पास पैसे नहीं है
तो ऐसे नहीं है कि आप कुछ जाने नहीं देंगे, बट वो कह रहे हैं कि कुछ डोनेशन दो, हमारे पास छुट्टे हैं नहीं। तो कहते ठीक है कोई बात नहीं, फिर मत दो, मतलब ये सीन है। यार ये चढ़ाई वढ़ाई जो है ना यहाँ पे थका दिया इसने हमने। यहाँ पे बड़े सारे किले हैं लेकिन हर एक के पैसे हैं और मेरे हिसाब से ना थोड़ा एक्सपेंसिव है। जैसे हम जो एक मेन किले में गए थे हमने टोटल कितने 56 यूरोज़ दिए और बच्चों की कोई सस्ती टिकट नहीं है। तो अब और भी जो किले हैं हमने जो बेस्ट था वो देख लिया, मतलब बाकी किले छोटे और वो हैं सो वो हम नहीं देख रहे। यहाँ से हम लोग अब जा रहे हैं, एक जगह है जिसको बोलते हैं वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट इन यूरोप, काबो द रोका आई थिंक ये नाम है उसका, सिंट्रा को बोलते हैं। टाटा बाय बाय, यहाँ से लेंगे ऊबर और चलेंगे काबो द रोका। You're learning English. You have to teach us something in Portuguese. Obrigado. Obrigado, we know. Obrigado. See you again. Até à vista. Até à vista? Até à vista. Okay, até à vista. Thank you, thank you. Yeah. Bye. Bye. Oh, it's very windy. Yes. Very, be careful, be careful. Very windy today. This is the most west point in Europe. रेनकोट है वही पहन रहे हैं, थोड़ी सी तो कम लगेगी ठंड। आइसलैंड में भी नहीं थी यार इतनी विंड, बट क्या ब्यूटीफुल जगह है। कैमरा कैसे हिल रहा है, क्या ब्यूटीफुल जगह है। ओ विंडी सुपर। अभी 1.5 घंटा बचा हुआ है सनसेट में, हमने सोचा था सनसेट तक तो यहाँ बिताएंगे, कोई देखते हैं अगर अंदर कोई बैठने की जगह है जहाँ थोड़ी देर बैठ सके, नहीं तो बहुत विंडी। और वैसे बिना पोर्चुगीज के काम तो नहीं चलता हुआ, जला लेते हैं ऐसे चला लेते। तकरीबन 99% इंग्लिश आती है और लोग बोल लेते हैं। हाँ ऊबर वाले तकरीबन ही बोल रहे हैं। ऑटोमेटिक गाड़ियाँ कम चलती हैं, मैनुअल जाना चाहते हैं, पहाड़ी एरिया की वजह से। ऑलराइट हम लोग शाम को वापस इधर लिस्बन आ गए हैं। क्या माहौल है यहाँ पे, थोड़ी ठंड है अभी भी यहाँ पे लेकिन क्या रौनक है यार यहाँ पे। जो लोग ऐसा लग रहा है कि पूरा का पूरा जो लिस्बन है वो उठ के यहीं पे आ गया है। तो ये जो रिवर है जो कि यहीं पे समंदर में मिलती है इसके जस्ट सामने, मस्त माहौल है। ये मेरे पीछे है लिस्बन सिटी गेटवे, इसकी रिसर्च करी है साक्षी ने, साक्षी लेकर आई है, क्या है आपको बताएगी साक्षी। जल्दी आओ, ग्रीन हो, ग्रीन पहले इधर आ जाओ। पिक पॉकेटर्स आर एक्टिव हियर, वेरी एक्टिव।
पिकपॉकेटर्स आर वेरी एक्टिव हियर. ओके, ये तो पता चला. गेट की क्या खासियत है? गेट की कुछ खासियत तो है यार, कुछ ये है कि शायद जब वो अर्थक्वेक आया था ना, यहाँ पे एक महल होता था. अच्छा. वो महल पूरा डिस्ट्रॉय हो गया था और एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी और सिर्फ शायद यही बचा था. कुछ तो ऐसी ही है हिस्ट्री. बंदा बड़ा सही बजा रहा है यार ये बंदा. अभी आपको बताते हैं पर उससे पहले ये बंदे को बड़ा सही बजा रहा है ये. इम्पॉर्टेंस 15th और 16th सेंचुरी में इट वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट. लाइक जो भी शिप पे लोग आते थे ना वो यहाँ से आते थे लिस्बन, इसीलिए इसको बोलते हैं कि जैसे ये गेटवे है एक तरह से लिस्बन में. गेटवे ऑफ इंडिया बना हुआ है मुंबई में, ये वो गेटवे टाइप है इसलिए इसको बोलते हैं गेटवे ऑफ लिस्बन. अच्छा, मैंने आपको बताया कि नहीं बताया, 1755 में एक मेजर अर्थक्वेक आया था लिस्बन में. इतना बड़ा अर्थक्वेक था, उसके बाद में फिर सुनामी भी आई और आग लग गई. कई दिनों तक आग जलती रही. ये काफ़ी बड़ा हिस्सा लिस्बन का उसमें डिस्ट्रॉय हो गया था, बिल्कुल फ्लैट हो गया था. उसके बाद ये सिटी काइंड ऑफ इन्होंने सेकंड टाइम पूरी दोबारा बनाई है. सो कल जो है हमारा लास्ट डे है लिस्बन में. कल रात को हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे. तो बस वही सोच रहे हैं कि आज शाम को रात को जितना आसपास का ये एरिया रौनक बहुत है आज, तो एक्सप्लोर करें. बस वही कर रहे हैं. है हमारा आज का डिनर प्लेस. चल खा लेते हैं पे. आग के पास बैठ जाते हैं यहाँ पे लगी हुई हो. कंबल रखे हुए सीटों के ऊपर. थैंक यू. अच्छा, ये भी थोड़ा अलग है कि जैसे तुम खाना खा रहे हो रेस्टोरेंट में बैठ के, तो लोग कुछ ना कुछ बेचने आ जाते हैं रेस्टोरेंट के अंदर ही. ये थोड़ा मेरे को डिफरेंट लगा, मतलब और कहीं नहीं देखने को मिला ऐसा मेरे को. जैसे हाँ, जैसे ये बंदा कुछ ना कुछ बेचने आ गया अब यहाँ पे. आई एम नॉट सेइंग कि ये गलत है या सही है, मतलब पहली बार दिख रहा है ऐसा. आई थिंक अभी तक का सबसे महंगा और सबसे बेकार खाना था. मतलब मैंने चिकन मंगवाया था बट पका ही नहीं हुआ था अच्छे से. तो पहली बार ऐसा हुआ अभी तक. हमने बहुत जगह यहाँ पे खाना खाया और जो छोटे लोकल स्टोर होते हैं ना वहाँ सबसे ज़्यादा मज़ा आता है. पर्सनल अटेंशन मिलती है, लोग आके उनको अंग्रेज़ी नहीं आती होगी ना, आपको अच्छे से आके समझाएंगे. ज़्यादा वहाँ गए थे वो कैसी लेडी, वो अपने आप आ गई, कहती इनको पता नहीं चल रहा, उसने देखा कि इनको समझ नहीं आ रहा कि उसके ऊपर ऑलिव ऑयल कैसे डालना है. बड़े अच्छे से यहाँ पे यार जितना बोलते ना ऊँची दुकान फीका पकवान, ये पानी की ये बॉटल 5 यूरो की उसने चार्ज करी. मैंने कहा यार सही है. और मैं तो उसके पास मैंने वो लिया था चिकन पिरी पिरी, वो वापस भेजा मैंने उसको. मैं कहा यार ये तो पका ही नहीं हुआ अच्छे से, उसको दोबारा पका के लेकर आओ. फिर वो दोबारा पका के लेकर आया. एनीवेज होता रहता है, 10 में से 1 जगह ख़राब निकलती है, तो उसके लिए तैयार रहना पड़ता है. इस वीडियो में इतना ही. हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय. हालत ख़राब हो गई ठंड की वजह से यार. सोचा नहीं था कि पुर्तगाल में इतनी ठंड हुई होगी लिस्बन में. तो पैकर घूम भी अच्छा खासा लिए हम. पिछले एक दो दिन बारिश हो रही थी फिर भी इतनी ठंड नहीं थी. हाँ, आज पूरा दिन सनी था, धूप निकली थी फिर भी ठंड नहीं. अभी 9-10 डिग्री के आसपास टेम्परेचर फील्स लाइक जो है वो कम है इससे भी, क्योंकि हवा बहुत तेज है.